हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है देव भंडारी और आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप एयरटेल की 1 GB की स्पीड को फ्री में या फिर कम पैसों में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एयरटेल में एक बिलिंग साइकिल होती है 28 दिनों की। अब वो 28 दिनों की वो क्या है, आप बीच में आप कभी भी अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। तो उनकी जो चार्जेस मतलब जो लेते हैं चार्जेस जिस तरीके से बनता है वो पर डे के हिसाब से बनता है। तो मान लीजिए एक कोई 800 रुपये का प्लान है तो 800 को 28 दिन से डिवाइड कर दीजिए तो पर डे का जो प्लान बनेगा वो इस अप्रोक्स जो प्लान बनता है उसे आपसे बनता है। तो ये फ्री में आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये होता है कि 12 से 24 घंटे के अंदर अगर आप प्लान को चेंज कर देते हैं, मतलब कि आपका 800 रुपये का प्लान है और आप उसने चेंज कर दिया 4000 वाले प्लान पे, मतलब 1 GB वाले प्लान पे, और वो प्लान कम से कम 12 घंटे तक अगर यूज़ कर लिए, फिर उसके बाद में जाके 800 वाले प्लान पे वापस आ गए तो फिर वो आपको वो चार्ज नहीं करेगा। इस बात का ये भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा डेटा भी यूज़ मत कर लीजिए। अगर ये प्रॉपर वे से आप कर लिए तो आप एयरटेल को 1 GB में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरा क्या किया था, मैंने 1 सितंबर में एक वीडियो बनाई थी एयरटेल 1 GB की स्पीड का, उसका मैंने पूरा 4000 रुपये मैंने नहीं दिए थे, मैंने इतना रुपए दिया था। ये वैसे अक्टूबर का बिल है, ये देखिए स्कीम चार्जेस 399। मेरा सिर्फ इतना दिन का ही कटा था, 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर पूरा एक दिन का 133 का पूरा चार्जेस कटा था। और ये सब बाकी ये तो ऑन ऑफ फोन ऑफ करता रहा था, मैं अंदर कुछ अपने वो कर रहा था, क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो इसको ये एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो अगर आप अपने माई एयरटेल ऐप में जाएंगे यहाँ पर, और आपने ब्रॉडबैंड वाले सेक्शन में जाएंगे, लैंडलाइन वाले सेक्शन में, इसमें क्लिक करेंगे, माई प्लान पे जाएंगे। अभी तो मेरा 799 का प्लान है, आप यू मो प्लान्स में जाएंगे, ये रहा एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स इंक्लूडेड को ही टिक कर दीजिए, या आपकी मर्जी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, मैं तो मेरे पास है पहले से। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे मंथली रेंटल मंथली पे क्लिक करना है, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखते हैं कंटिन्यू पे करना है। तो ये हो गया कि प्लान आपका चेंज रिक्वेस्ट बन चुकी है, ये कम से कम 2 घंटे में प्लान चेंज हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, कम से कम 2-3 घंटे में तो ये हो जाता है। इस बात का ये भी ध्यान रखना है कि प्लान आप बार बार चेंज मत करिएगा, मतलब हर 1 घंटे में प्लान चेंज कर लिया, 700 से किसी और प्लान में चले गए, ऐसा मत कीजिएगा वरना फिर वो आपको एरर दे देगा, फिर बाद में ये होगी कि आप बाद में अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते। तो आज से बिरसी के लिए, अगर कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ के ऊपर तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।